ले चलते हैं आपको सोनभद्र की ओर, जहां प्रधानमंत्री मोदी के रैली में उमड़ा जनसैलाब, हजारों की तादाद में पहुंचे लोग, जहां प्रधानमंत्री मोदी का भाषण सुनने के लिए लोगों में दिखा उत्साह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुरक रैली में भीड़ के सारे रिकॉर्ड टूट गए। मोदी के रैली में पूरे प्रदेश से इतनी भीड़ उमड़ी कि राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज चुरक मैदान ही छोटा पड़ गया। हजारों लोग जहां मैदान के अंदर थे तो हजारों लोग मैदान के बाहर सड़क पर खड़े रहे और मोदी की क्या भाषण सुनने के लिए उत्साहित दिखे। मोदी रैली के लिए इतनी भीड़ उमड़ी कि पुलिस प्रशासन को 10 बजे ही पंडाल का गेट बंद करना पड़ा, जिससे ही निराश होकर लोगों को बाहर से लौटना पड़ा। हालांकि पंडाल मैदान में लोगों को बिठाने के लिए 3 बड़े पंडाल बनाए गए थे। दोस्तों, मैं आवाज 24/7 से कामेश्वर विश्वकर्मा, आज हमारे सोनभद्र ज़िले में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सोनभद्र में आगमन है और यहां पर जन सैलाब देखने को मिल रहा है। भाजपा समर्थक जन सैलाब लेके उमड़ पड़े हैं। आइए हम मैं आगे क्या नाम है सर आपका? अमित अग्रवाल। ये बताइए अमित जी, यहाँ आप आए हैं किस विधानसभा से आए हैं? 402 ओबरा। क्या यहाँ क्या देखने आए हैं, क्या सुनने आए हैं? यहाँ अपने प्रधान सेवक मोदी जी को सुनने आए हैं। तो आप प्रधानमंत्री मोदी जी की बात सुनने आए हैं जी, तो विधानसभा में आप कहीं पद पे हैं कि किसी तरीके से? मैं जिले का व्यवसायिक प्रकोष्ठ का जिला सदस्य हूँ जी। सोनभद्र का आप यहाँ के बारे में बताइए कुछ। हमारे ज़िले में उनकी माननीय योगी जी ने बहुत काम किया है। हमारे चौपन नगर में आवासों, पहले लोग झोपड़ी में रहते थे, मल्लैया टोला हो चाहे कहीं भी आ जाके देखे, कोई झोपड़ी में नहीं है, सब अपने पक्के आवास में, सबके पास अपना सिलेंडर है, चूल्हा है, गैस है, लाइट है, बिजली है, बाकी जो भी मूलभूत की सुविधाएँ सब योगी सरकार के द्वारा उनको उपलब्ध कराई गई है। इस चुनाव में कैसा लग रहा है? चुनाव में फिर से योगी जी आएंगे और इस बार तो हम लोग 350 सीट पार लेंगे।